और पार्टियों पे, कांग्रेस पे उंगली उठा रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज जो साक्षी महाराज, गौरव जी आपको रोक रही हूँ, राकेश जी आपके पास भी आऊंगे, प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी। इस बीच सीधे तस्वीरें इस वक्त पेरिस से आ रही हैं। अपने दर्शकों को बता दें, पेरिस में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 11 लोगों के मारे जाने की खबर, और ये लाइव फायरिंग की तस्वीरें आपने इस वक्त देखी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो दो आप देख रहे हैं नकाबपोश आतंकी हैं, इन्होंने ही आतंक का ये तांडव रचा है। एक फ्रेंच पत्रिका, विवादास्पद एक कार्टून छापने के मामले में पहले भी हमला हुआ, अब उनके हेडक्वार्टर पर इन दोनों ने इसी तरह से इस कार पर सवार होकर ये दोनों नकाबपोश आतंकी आए, अंधाधुंध फायरिंग की, 11 लोगों की मौत हुई, और फिर वहां से भागने में देखिए कार निकलकर साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इसी कार पर सवार होकर ये दोनों आतंकी जो नकाबपोश थे, एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, गोली मारती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। ये शख्स को गोली लगती है, वो जमीन पर फुटपाथ पर गिर जाता है, दोनों आतंकी आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों को करीब से जाके वहां से भी ये फायरिंग करता है, और भी लोगों पर ये लोग फायरिंग करते हैं वहां, और उसके बाद गाड़ी में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, फरार हो गए हैं दोनों। पेरिस में आतंकी हमले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। आतंक का तांडव रचते हुए दो आतंकी खुले में दिखाई दे रहे हैं, खुली सड़क है। बताया जा रहा है कि कलाश्निकोव, वो हथियार जिसके साथ ये वहां पर पहुंचे थे, तो हथियारबंद ये दो नकाबपोश आतंकी किस तरह से इन्होंने कहर बरपाया है उसकी तस्वीरें हैं। कार से निकलते हैं, वहां पर सड़क पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। एक तस्वीर आपके सामने है जिसमें एक शख्स वहीं पर सड़क पर गिर जाता है, उसको करीब से जाके फिर से मारते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश, और उसके बाद जो तस्वीरों में दिख पा रहा है वो इतना ही कि वो वापस अपनी कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसे आतंकी घटना करार दे दिया गया है। आपको बता दें, एक विवादास्पद कार्टून छापने के लिए इस पत्रिका पर पहले भी हमले हो चुके हैं, और एक बार फिर से आतंक का वो बर्बर चेहरा दिख रहा है जिसमें गोली की भाषा आतंकी बोल रहे हैं। एक पत्रकार के बीमारी जाने की खबर है। इस बीच आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, खासतौर पर बच्चों को, लेकिन यही सच है आज का। ये सच है कि ये दो आतंकी नकाबपोश हथियार से लैस वहां पर पहुंचे, एक पत्रकार के दफ्तर में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब कुल मिलाकर 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। साली एब्दो, आपको बता दें, वो मैगजीन, वो पत्रिका जिस पर यह हमला किया गया है, पत्रिका में छपे मोहम्मद साहब के कार्टून के विरोध में यह हमला हुआ है, ये अब बयान आ रहा है। फायरिंग में दो पुलिस वालों की मौत। अभी भी 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस बीच पूरे पेरिस शहर में हाई अलर्ट और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली, दो नकाबपोश हमलावर कार से उतरते हैं, इस कार को भी इन्होंने हाईजैक किया, उस कार में सवार होकर यहां पर पहुंचे, दफ्तर के बिल्कुल बाहर उससे निकलते हैं, सड़क पर खुलेआम घूम रहे एक व्यक्ति पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते हैं, पास जाकर फिर से मारते हैं क्लोज रेंज में, और उसके बाद वहां से अपने हथियार के साथ कार में बैठकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये फ्रांस में पेरिस में हेडक्वार्टर है दरअसल इस पत्रिका का, चाले हेब्डो जिसका नाम है, और इसी पत्रिका के हेडक्वार्टर में, उसके मुख्य दफ्तर में ये हमला किया गया है, आतंकी हमला, जिसमें कुल 12 लोगों की मौत बताई जा रही है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।